व्हाट्सएप में आने वाले हैं बहुत सारे नए इंटरेस्टिंग फीचर्स। वन प्लस सेवन एंड सेवन प्रो की जो प्राइसेस एंड स्पेसिफिकेशंस हैं वो हो गई हैं लीक, और रियलमी 3 प्रो का आने वाला है एक नया वेरिएंट। आइए दोस्तों बात करते हैं इन सारी टेक अपडेट्स पे। चलिए शुरू करते हैं हम टेक की बात कैटिंग टेक यानी GT हिंदी के साथ। तो जैसा कि मैंने बोला, WhatsApp में बहुत सारे नए अपडेट्स आ सकते हैं और वो होने वाले इंटरेस्टिंग। और सबसे बड़ी अपडेट है दोस्तों वो ये कि अब WhatsApp को आप लॉक कर पाओगे ऐप सेटिंग्स के थ्रू, जैसे WhatsApp ऐप की सेटिंग के थ्रू, और उसमें आने वाला है फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन कि अब आपको कोई भी थर्ड पार्टी ऐप यूज नहीं करना है, और इसीलिए अब आपके चैट्स ज्यादा सिक्योर होंगे और आप अपने फिंगरप्रिंट से उसे खोल पाएंगे। एंड जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया, इससे आपके WhatsApp के कन्वर्सेशन हो जाएंगे ज्यादा सिक्योर। अब अगर सिक्योरिटी की बात कर ही रहे हैं तो दोस्तों जो नेक्स्ट फीचर है WhatsApp का वो भी वाला बहुत इंटरेस्टिंग। एंड इसका एक एग्जांपल देख लो कि आपने अपने दोस्त को कुछ पर्सनल बात बताई, चलो भाई नई गर्लफ्रेंड है और आपने उसको बताया, और उसने उसका स्क्रीनशॉट लेकर के पूरे जहां देखो हर एक ग्रुप में डाल दिया और उसका पूरा ढिंढोरा पीट दिया। अब WhatsApp में दोस्तों ये डिसेबल हो जाएगा बहुत जल्द, एंड सिक्योरिटी में अपग्रेड्स आने वाले हैं, एंड किसी भी चैट का आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएंगे। ऐसा ही जैसे कि Facebook के आप जैसे प्रोफाइल अगर कार्ड आ जाता है तो आप प्रोफाइल पिक्चर्स के स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, कुछ उसी तरीके का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। एंड जो फाइनल अपडेट है दोस्तों वो ये कि अब बहुत जल्द WhatsApp में आने वाले हैं एनिमेटेड स्टिकर्स। एंड स्टिकर्स तो जैसे हम लोग सब जानते हैं, हम लोग खुद के भी स्टिकर्स बना सकते हैं, तो अब एनिमेटेड आप स्टिकर्स यहाँ पे दे पाएंगे। और उसी के साथ साथ बहुत जल्द आपको डार्क मोड भी मिल जाएगा। जी हाँ, एमोलेड स्क्रीन्स के लिए तो बहुत अच्छी बात होगी कि आप अगर WhatsApp को मतलब बहुत सारे चैट करते हो, कॉल करते हो, तो उससे डार्क मोड के कारण आपकी जो बैटरी है वो ज़्यादा चलेगी। एंड इसी साथ साथ अगर आप रात को WhatsApp यूज़ करते हो तो आपकी आँखों में भी स्ट्रेन नहीं आएगा। अब नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों यहाँ पे OnePlus की तरफ से, और OnePlus 7 एंड 7 Pro के जो प्राइस हैं वो रिवील हो चुके हैं, क्या स्पेसिफिकेशंस में आने वाले हैं उसके बारे में भी पता चल चुका है। एंड OnePlus 7 के जो स्टार्टिंग वेरिएंट होंगे वो अगेन 38 से 39,000 हो सकते हैं जैसा कि पिछले साल थे, और वो 6GB रैम एंड 128GB के स्टोरेज के साथ आए। उसके साथ दोस्तों आपको जो 7 प्रो है उसमें सारे के सारे फ्लैगशिप फीचर्स मिलेंगे जैसे कि बढ़िया डिस्प्ले एंड पॉपअप कैमरा, 3 कैमरा, एंड उसकी प्राइसिंग दोस्तों स्टार्ट हो सकती है 52,000 के, और वो जाएगी 12GB रैम एंड 256GB के स्टोरेज के साथ, और वो हो सकती है 59,000 to 60,000 की। भाई प्रीमियम मार्केट के जो प्राइसेस है ना उसमें अब OnePlus आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो वो एज ए फ्लैगशिप किलर आए थे, शायद अब वो फ्लैगशिप किलर नहीं बल्कि फ्लैगशिप ही कहलाए। तीसरी न्यूज़ है दोस्तों Realme की तरफ से, एंड Realme 3 Pro का जो 8GB रैम एंड 128GB का जो स्टोरेज है, या फिर शायद वो 256GB भी हो सकता है, वो आएगा 18,000 रुपये का, और इसके दोस्तों आप खरीद सकते हैं शायद नेक्स्ट मंथ से। तो आप मुझे बताइए कि क्या 18,000 रुपये में आप इस फ़ोन को, मतलब अगर आप 13,000 या फिर 15,000 का फ़ोन खरीदे तो आपको आपको 6GB रैम मिल जाता है, एंड आई थिंक दैट इज़ मोर देन एनफ। तो क्या आप 8GB रैम वाला फ़ोन खरीदना चाहेंगे? कमेंट्स में मैं आपके जवाबों का इंतजार जरूर करूंगा। अब नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों यहाँ पे सैमसंग की तरफ से कि सैमसंग का M40 इंडिया में बहुत जल्द लॉन्च हो जाएगा, और सैमसंग ए सीरीज और एम सीरीज में भर भर के फ़ोन निकाले, हर एक प्राइस सेगमेंट कवर कर रहा है। तो शायद ये जो पर्टिकुलर डिवाइस हो वो A50 के कंपैरिजन में आपको मिल जाए, उसका प्रोसेसर भी शायद A50 का ही हो, 3 कैमरे का सेटअप, डिज़ाइन और ज़्यादा अच्छी हो जाए, आपको फास्ट चार्ज तो मिलेगा ही यहाँ पे टाइप सी के साथ। तो बहुत इंटरेस्टिंग डिवाइस होने वाला है M30 के बाद कि भाई इसमें जो गेम्स हैं वो अच्छे चलेंगे या नहीं, और चलेंगे तो किस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट में चलेंगे, हम सब कुछ दोस्तों ये बताएंगे आपको हमारे चैनल पे। तो अगर आपने वो लाल सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो दबा दो यार, किसका वेट कर रहे हो, दबा दिया राइट। अच्छा तो उसके बगल में जो घंटे का आएगा ना, हाँ उस पर भी टैप कर देना। तो बस दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही, आशा करता हूँ कि आपको ये टेक अपडेट्स पसंद आए होंगे। पसंद आए हो तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और हमारे अगले वीडियो तक के लिए गुड बाय।